काफ़ी डिप्रेशन में थे अपनी जॉब को लेके, तो इनकी जो सैलरी है वो 6700 है। पिछले 20 सालों से आप देखें कि इनको क्या मिला है, इनकी 70-70 महीनों की सैलरी पेंडिंग है। और ये अगर ऐसा ना करें तो क्या करें, सुसाइड के अलावा तो इनके लिए को और तो ऑप्शन तो है नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। मैं यही गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि जो मेरे भाई के साथ हुआ है वो और किसी भाई के साथ ना हो, और जितने भी डेली वेजर मुलाजिम हैं उनको परमानेंट करें, और मेरे भाई को मुआवजा मिलना चाहिए। इनका रियाज हुसैन, जनाब हम पुंछ से रहने वाले हैं, आला पीर वार्ड नंबर 12 में इनकी ड्यूटी थी। तो पिछले 20 साल से ये सर्व कर रहे थे पीएचई डिपार्टमेंट में, तो इन्होंने ये डिप्रेशन में आके कुछ ऐसा कदम उठाया कि भाई मेरे से तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरी आधी लाइफ गुजर गई है, आधी 40 साल। आज क्या है, 40 साल तो इंसान जीने का सोच भी नहीं सकता। बाकी के लोगों को तो इंसाफ मिले, अगर इसको 40 साल तक इंसाफ ना मिला, बाकी को मिलना चाहिए। मैं यही एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ से जो हमारे जितने भी मीडिया आप यहाँ पे आए हैं, मैं आपका शुक्र तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाएँगे। और इसके 5 बच्चे हैं जनाब, इसके 5 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ हैं इसकी, 2 बच्चे हैं इसके, उनका क्या होगा? बस उनके लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट करे। और जो हमारे एलजी साहब हैं, उन्होंने जो वादा किया है कि डेली वेजर वर्कर को हम परमानेंट करेंगे, और वो अपने वादे पे तो वो कायम नहीं है आज तक, क्योंकि डेली ऐसा हो रहा है। आज मेरे भाई के साथ हुआ, कल किसी और के साथ हुआ। मैं उनसे यही अपील करना चाहता हूँ कि इनको इनकी तरफ देखें जनाब, इनको परमानेंट करें।